अरे तो मम्मी, हम आपको पहले ही कहे थे कि हम हमारा रिजल्ट फिर फेल होगा, फिर से हमारा नाक कटवाएगा। ये है इस ग्रुप का सबसे पहला कामचोर बैचलर। ये है बैचलर बाबा। रैपर बैचलर। हाँ जी बेबी। यार रिजल्ट आने वाला है, टेंशन हो रही है। रिजल्ट आने वाला है तो टेंशन आपको क्यों हो रही है? आप तो जिला, क्लास, देश सब कुछ टॉप करोगी। आप तो इतनी इंटेलिजेंट हो बेबी। थैंक यू सो मच इतनी सारी विशेष देने के लिए। बस दावत तैयार रखना, मेरी दावत चाहिए मुझे। हम तो इतनी दूर हैं, हम पार्टी कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, पेटीएम या गूगल पे तो चलता ही है। आप मेरे को पैसे दे देना, मैं तो उत कर लूँगा। पैसे भेज देना आप, दावत मैं अपने आप कर लूँगा। होना मैं इंटेलिजेंट। हाँ वैसे हो तो। किराया 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 किराया। एक मिनट रुकना बेबी, एक मिनट रुको बस, मैं भी कॉल करता हूँ आपको। हाँ हाँ, 4 महीने हो गए, किराया तो दिया नहीं। भगवान आके दे जाएंगे इस तरह बोल लेगा तो। 4 महीने से किराया तो दिया नहीं, चिल्ला ले तू। और जो मकान मालिक को याद नहीं होगा ना, तो वो तेरी आवाज़ें सुन के यहाँ आके किराया मांगेगा। और वो पड़ोसी, वो पड़ोसी वैसे ही इतना चिढ़ता है, सुबह के 5 बजे तू कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है, वो आके कंप्लेन। शांति शांति शांति, क्यों लड़ते रहते हो तुम? 2 मिनट चुप भी रह ले ग्रो, पूजा कर रहा हूँ मैं। शांति 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 आएगी और ये यहाँ से जाएगी। जब आएगी यहाँ शांति, ऐसे नहीं आएगी शांति। तो बैठ के अपना काम कर ले जो कर रहा है। अबे वो मकान मालिक भी आने वाला होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, किराया दे कैसे? एक ही मकान मालिक आने वाला होगा। ये कंपनी का प्रचार है और आप लोगों का फायदा। 100 रुपए में 2 किलो सरफ 1 टब फ्री। 100 रुपए में 2 किलो सरफ 1 बाल्टी फ्री। 100 रुपए में 2 किलो सरफ 1 झाड़ू फ्री। झाड़ू फ्री, बाल्टी फ्री और अच्छा सामान। 100 रुपए का 2 किलो सरफ और उसके साथ टब भी फ्री, बाल्टी भी फ्री, झाड़ू भी फ्री। चॉइस है कि कुछ भी ले सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरे पास एक आइडिया, हम भी इसी की तरह कुछ बेचते हैं, उसके साथ कुछ फ्री देते हैं। लेकिन उसके साथ फ्री क्या देंगे? उसके साथ फ्री देंगे हम अपनी इज्जत। खाने को तो 1 रुपए है नहीं, मुकेश अंबानी वाली थिंकिंग आ रही है दिमाग में। वी आर मैंगो मैन। मैंगो मैन, मैंगो मैन भाई, मैंगो मैन का क्या मतलब है? आम आदमी, मैंगो मैन आम आदमी। इस तरह की थिंकिंग अपने दिमाग में लाओगे ना, तो ना तुम मुकेश अंबानी बन पाओगे और ना मैंगो मैन। चुसी हुई कुठली बन के रह जाओगे, पड़े रहोगे किसी कचरे के डिब्बे में।
मैंने अपनी बंदी से बात करी है, वो कुछ पैसे देगी मुझे अगर पास हो गई तो। हाँ भाई, किराया कहाँ है मेरा 4 महीने का? किराया मंगा मैंने। क्या हो गया रे? भाई रो क्यों रहा, किराया दे दे किराया। जितनी बार भी किराया का नाम ले रहा उतनी बार इसका रोना और तेज होता जा रहा। क्या चक्कर है, किराया देने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? कहाँ है मेरा किराया? बाबा का भक्त हूँ मैं, आपसे झूठ नहीं बोल सकता, तो ये आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा झूठिया है। मतलब मैं बताऊँ आपको, किराया अंकल किराया भी नहीं लो तो आप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बंदे को शराब मिल। चिपकलियों ने शराब दिया है कि अगले 7 दिन तक अगर इसने किसी के भी साथ पैसों का लेन देन किया तो इसकी भी और जिसके साथ करेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन इंतजार कर लो अंकल, आप 7 दिन के बाद ले लेना, मिल जाएगा आपको। अगर अभी ना करोगे तो अच्छा है। कोई भी दिक्कत नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, 7 दिन बाद दे देना, आराम से दे देना 7 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं। राम राम। लेकिन इन्होंने तो कहा था ये अनाथ है, मेरा मिलके पागल बना रहे तीनों। अभी पर तुमने तो कहा था तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तब घर कहाँ से आ गया तुम्हारा? अंकल आगे की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, आगे की कहानी ये खुद आपको बताएगा, नहीं बताएगा। वो क्या है ना अंकल, हम तीनों नाथ थे, हमने आपको बताया था, पर जो मेरे दादा के दादा है ना, उनके जो दादा थे और उनके दादा इसके दोस्त थे, उनकी कुछ जमीन गांव में रह गई थी, वहां मैं चला गया, वहां पे मेरे से ना गलती से छिपकली का छाता टूट गया। छिपकलियों का छाता नहीं होता, वहाँ पे था ना और वो सारी चिपकली मेरे ऊपर आके गिर गई, और उनमें से एक चिपकली खड़ी हुई और बोली कि अगले 7 दिन तक तूने किसी के भी साथ पैसों का लेन देन किया
तो तेरी और जिसके साथ करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करूंगा किसी के साथ लेन देन। और इसी चक्कर में हम तीनों भूखे हैं, कल रात से हमने कुछ खाना भी नहीं खाया क्योंकि हम बाहर से खाना खाते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की मृत्यु हो जाए। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम में से एक जना मेरे साथ आओ और मैं खाना देता हूँ। तुम्हारी आंटी ने खाना बनाया, तुम तीनों खाना। और अगले 7 दिन तक रोज मैं सुन गया खाना दूंगा। अब सुनो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से। आज 6 दिन पूरे हो गए और कल सुबह मकान मालिक आएगा। अबे ये तो हमें भी पता है दोनों को, कुछ तरीका बता कैसे बचे इससे। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? प्लान ये है कि आज रात तुम दोनों जाओगे मकान मालिक के कमरे में और वहां से लेकर आओगे गाड़ी की चाबी। मतलब हम मकान मालिक की गाड़ी चुरा के यहाँ से भागेंगे और उसकी चाबी लेने भी हम दोनों ही जाएं। हम दोनों को फंसवाना चाहता है तो तू जाके। ये सही कह रहा है वैसे, अगर हम आज उसकी गाड़ी लेकर नहीं भाग गए ना तो कल वो खुद ही हमें लात मार के भगा देगा। तो हमें चलना चाहिए। जाओ और चाबी लेकर ही आना, खाली हाथ मत आना। मैं जब तक अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, तुम चाबी लेके जल्दी से आओ। मिल गई चाबी? अबे बाबा जाए और चाबी ना मिले, ऐसा हो सकता है? चाबी मेरे पास। तो मैं किस चीज की चाबी उठा लाया ये? अबे चलो कोई ना कोई सी तो लगेगी ना, अपने पास ही रखो। चलो मकान मालिक आ जाएगा, नहीं तो जल्दी चलो। सारा सामान ले आया है ना बे, ले से पीछे रख दे। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। अब गाड़ी गोवा से पहले रुकनी नहीं चाहिए, दाब दे से डायनासोर बना दे इसका, सीधा गोवा। क्या हो गया? वो तेल खत्म हो गया इसका तो। ए तेल खत्म हो गया, तो तेल खत्म हो गया, अब क्या करें? अब वो पीछा आ रहा होगा, वो मेरे मारेगा वो, अब मैं क्या करूं? पर तो तुझे ही मारेगा, हम दोनों को नहीं मारने का, वो अपने अपने बारे में सोच रहा है। बे यार अब क्या करें, मकान मालिक भी आने वाला होगा, बता। हेलो। हाँ बेबी। बेबी आपको पता है मैं पास हो गई? पास होगी? आपने इतनी सारी बेस्ट विशेस भेजी थी, मैं पास हो गई। तो पार्टी कहाँ है मेरी? आप मेरे को अपना पेटीएम नंबर सेंड करो, मैं आपको पैसे भेज देती हूँ, आप पार्टी कर लेना। ओके बेबी। मेरी बंदी पैसे भेज रही है,
अब जाएंगे गोवा। अब गाड़ी गोवा से पहले रुकनी नहीं चाहिए। मैंने आपको भेज दिए, एक बार आप चेक कर लो। हाँ मैसेज तो आया, रुको एक मिनट लाइन पे रहो, मैं देखता हूँ। अभी नहीं आया बेबी, ये आपका मैसेज नहीं है, पता नहीं 70 रुपए का है। अरे नहीं, वो मैंने ही भेजे हैं 70 रुपीज। देखो 40 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक आएगी, 10 रुपीज का समोसा आएगा, आप पार्टी कर लेना। 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक और 10 रुपए का समोसा, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा क्यों भेज दिए? हाँ तो फिर अपने दोस्तों को भी तो आप समोसा खिलाओगे ना, वो क्या आपका मुंह देखेंगे? पार्टी कर लेना उससे। अच्छा सुनो, मैं मम्मी को भी बता देती हूँ, मम्मी भी बुला रही है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय।